नमस्कार, मैं हूं विक्रम पंछी और आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस। इस समय हम आदर्श कॉलोनी उधमपुर में मौजूद हैं और यहां पर जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जो है प्रसाद वितरण कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ से जो जल और मिट्टी जो थी वो अयोध्या जो भूमि पूजन हुआ था वहाँ तक पहुँचाई गई थी, और उसके बाद वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो वहाँ से प्रसाद आया था उसको वितरण कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम जो है कार्यालय में किया गया और अब लोगों के बीच जाके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह का कार्यक्रम ये है और आगे उनकी क्या कार्यप्रणाली रहेगी, किस तरह से वो लोगों तक इस संदेश को जो है वो पहुंचाएंगे। जी, अपना नाम शुरू करके और ये बताएंगे जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया आगे किस तरह से कार्यक्रम रहे। जी, सुशांत शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष उधमपुर। यहाँ से राम मंदिर की जो भूमि पूजन किया गया उस पर यहाँ पे जल और रज जिला उधमपुर से हमने जो विश्व हिंदू परिषद की प्रांत की टीम थी वो टीम ने वहाँ पे वो जल और रज वहाँ पे पहुँचाया और उस उसके अवसर पर श्री राम जी के आशीर्वाद के तौर पर उनका प्रसाद वहाँ से हमारी टीम ने लाया और जिला में भी दिया गया और हमने पूरी जिला में पूरे वार्डों में और हर पंचायत में इस प्रसाद को हिंदू लोगों तक पहुँचाना है। और इस उपलक्ष्य पर आज हमारे नगर अध्यक्ष जी ने आज आदर्श कॉलोनी में ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलाया है। आज हम इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं और आने वाले दिनों में हर वार्ड में और हर जिले की पंचायत में विश्व हिंदू परिषद हर हिंदू के घर में ये प्रसाद पहुँचाएगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हर वार्ड हर पंचायत में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और ये श्री राम भगवान जी के अयोध्या से जो प्रसाद आया उनको लोगों में वितरित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए बहुत।